कभी किसी ने जवाब दिया, कभी कोई चूका, आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरिया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिक व अस्हाबिक या हबीबल्लाह, अला आलिक व अस्हाबिक या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह, व अला आलिक व अस्हाबिक या नूरल्लाह, अला फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर जुम्मा के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता गए, अल्लाह पाक उसके 80 साल के गुनाह बख्श देता गए। सुभान अल्लाह। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अगर सुन लीजिए, नाज़रीन प्रोग्राम है आपका इम्तिहान। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तारुफ की तरफ और देखते हैं आज हमारे साथ कौन कौन से बच्चे मौजूद हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमजा है। माशाल्लाह हमजा भाई हैं और हसन भाई हमारे साथ नाचका है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी हसन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। इंशाल्लाह हसन भाई से भी एक कलाम सुनेंगे। और हमजा भाई और हसन भाई हमारे साथ टीम ए में है। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम क्या है? अब्दुल हादी। जी माशाल्लाह अब्दुल हादी भाई हमारे साथ टीम बी में। अब बढ़ते हैं दूसरे कंटेस्टेंट की जाने। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम उसैद रजा है। उसैद रजा भाई माशाल्लाह और अब्दुल हादी भाई हमारे साथ टीम बी में। अब बढ़ते हैं हसन भाई की तरफ और देखते हैं हसन भाई हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं। जी हसन भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे? सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। सुभानअल्लाह। जी सुनाइए। सहारा चाहिए सरकार शाम हो
हो जाए ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने में जाना नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जिस सेगमेंट का नाम है लफ्जों की तोड़ जोड़। आपका इम्तिहान इम्तिहान आपका इम्तिहान। यहाँ पर हमारे साथ दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पांच वर्ड दिखाई देंगे जो कि स्पेलिंग वाइज आगे पीछे होंगे। पहले टीम ए को पांच वर्ड दिखाई देंगे, उसके बाद टीम बी को पांच वर्ड दिखाई देंगे। आपने 10 सेकंड के अंदर उनको दुरुस्त करके बताना है कि ये वर्ड कौन सा है। चलो शुरू करते हैं टीम ए की तरफ से। जी पहला वर्ड दिखाइए टीम ए के लिए। जी जी टीम ए आपका वर्ड आपके स्क्रीन पर है। एतिकाफ। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं। जी दिखाइए एतिकाफ जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी टीम ए के लिए दूसरा वर्ड दिखाइए। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर। जी अजलाब। इन्होंने कहा अजलाब। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी दिखाइए। अजलाब तो वर्ड नहीं बल्कि यहाँ पे है जबल और आप नहीं पहुँच पाए। चले कोई बात नहीं, बढ़ते हैं तीसरे वर्ड की तरफ। जी दिखाइए। थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा कि क्या बोल रहे हैं, जवाब दुरुस्त है या नहीं। जी टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव। अजलास। इन्होंने कहा अजलास। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी जनाब आप कह रहे थे अजलास, यहाँ पे है जलसा, आप नहीं पहुंच पाए। चले कोई बात नहीं, अब बढ़ते हैं आपके चौथे वर्ड की तरफ। जी दिखाइए। जनाजा। जनाजा जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बढ़ते हैं आपके आखिरी वर्ड की तरफ। जी दिखाइए। जी टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर। जिहाद। जी इन्होंने कहा जिहाद। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी दिखाइए। जी जिहाद और जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर टीम ए के वर्ड कंप्लीट हुए। यहाँ पर आपसे दो गलतियाँ हुई, एक जबल और एक जलसा, यानी आपने तीन जवाब दुरुस्त दिए। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब और आपको जीतने के लिए चार जवाब दुरुस्त देने होंगे। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी दिखाइए टीम बी का पहला वर्ड। जिन। इन्होंने कहा जिन। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी दिखाइए। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी अब बढ़ते हैं आपके दूसरे वर्ड की तरफ। जी दिखाइए। कलाम। इन्होंने कहा कलाम। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी दिखाइए। कलाम और जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी चलें बढ़ते हैं आपके तीसरे वर्ड की तरफ। जी दिखाइए। हिरायक। इन्होंने कहा हिरायक। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। हिरायक नहीं, यहाँ पर है खैर। आप जो वर्ड देखें देखें ये इस्लामी वर्ड बन रहा है या नहीं। ये हमारी जो मुरादी होती है वो इस्लामी वर्ड्स होते हैं। आपका जवाब गलत मानेंगे मगर आपको एक बात यहाँ पे पता चल गई। अब बढ़ते हैं आपके चौथे वर्ड की तरफ। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और जीरो। यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। चले टीम ए इनका जवाब दुरुस्त नहीं मानेंगे मगर आप क्या कहते हैं। जी खतीब।
इन्होंने कहा खतीब देखते हैं हसन भाई का जवाब दुरुस्त है नहीं, जी दिखाइए। खतीब और जवाब दुरुस्त है मगर टीम बी का नहीं है, यहाँ पर इनसे दो गलतियाँ हो गई हैं। अब बढ़ते हैं टीम बी के आखिरी वर्ड की तरफ, जी दिखाइए। खलीफा। अब आप सोच रहे खलीफा में टी आता है। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और जीरो। इन्होंने जवाब नहीं दिया लेकिन देखते हैं जवाब क्या था। जी ये है खिलाफत और आप नहीं पहुंच पाए, आप थे करीब अगर आप नहीं पहुंच पाए चले कोई बात नहीं। और इस सेगमेंट में यानी पहले सेगमेंट में हमारी टीम ए फर्स्ट रही। अब बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब जिस सेगमेंट का नाम है सही या गलत। आपका इम्तिहान, इम्तिहान, आपका इम्तिहान। सेगमेंट है सही या गलत। इस सेगमेंट में मैं आपको एक जुमला बोलूंगा और आगे बोलूंगा सही या गलत। जब तक मैं गलत ना बोलूं आपने उसका जवाब नहीं देना और आपने जवाब क्या देना है सही या गलत, इसके अलावा कुछ और जवाब नहीं देना। चले बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। पहला जुमला कलमा तैयबा दूसरे कलमे को कहते हैं सही या गलत। गलत। इन्होंने कहा गलत, जवाब दुरुस्त है। कलमा तैयबा पहले कलमे को कहते हैं और जवाब इन्होंने दुरुस्त दिया है। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। ऊपर चढ़ते वक्त की दुआ अल्लाहु अकबर है सही या गलत। सही। इन्होंने कहा सही, जवाब इनका दुरुस्त है। जी टीम ए अरकान इस्लाम पांच है सही या गलत। सही। इन्होंने कहा सही, जवाब इनका दुरुस्त है। यानी बच्चों अरकान इस्लाम पांच है, कलमा तैयबा नमाज रोजा जकात और हज, ये पांच अरकान इस्लाम है यानी पिलर्स ऑफ इस्लाम है, जवाब इन्होंने दुरुस्त दिया है। अब बढ़ते हैं अगले जुमले की तरफ। जी टीम बी असर की नमाज में तीन रकायते फर्ज हैं सही या गलत। गलत। इन्होंने कहा गलत, जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और असर की नमाज में चार रकायते फर्ज है। जी टीम ए मकाम इब्राहिम जो पत्थर है उस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है सही या गलत। 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 इन्होंने कहा गलत, जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मकाम इब्राहिम जो पत्थर है इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नहीं बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है और इनका जवाब दुरुस्त है। अब बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो याद आने पर खाने के दरमियान में बिस्मिल्लाह की अव्वलहु व आखिरहु पढ़ना चाहिए सही या गलत। सही। इन्होंने कहा सही, जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम ए सूरतुल फातिहा पांचों नमाजों की हर रकात में पढ़ी जाती है सही या गलत। सही। इन्होंने कहा सही, जवाब इनका दुरुस्त है। जी टीम बी आप जमजम बैठ कर पीना चाहिए सही या गलत। सही। सही। इन्होंने कहा सही, यहाँ पर गलती हुई है क्योंकि आप जमजम बैठ कर नहीं बल्कि खड़े होकर काबे शरीफ की तरफ मुंह करके पीना चाहिए, यहाँ पर इनसे एक गलती हो गई। अब बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। नमाज में दो सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं सही या गलत। सही। इन्होंने कहा सही, जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी टीम बी आपसे है आखिरी सवाल। नमाज के सात फराइज में से दूसरा फर्ज तकबीर तहरीमा है सही या गलत। गलत। इन्होंने कहा गलत, जनाब यहाँ पर इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। नमाज के सात फराइज में से दूसरा फर्ज नहीं बल्कि पहला फर्ज तकबीर तहरीमा है, जवाब इन्होंने दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और क्रिकेट मंडी के नाज़रीन दूसरा सेगमेंट भी यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचा और इस सेगमेंट में भी हमारी टीम ए आगे रही क्योंकि टीम बी से एक गलती हो गई थी। अब बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ जिस सेगमेंट का नाम है कहानी। आपका इम्तिहान, इम्तिहान, आपका इम्तिहान। प्यारे बच्चों कहानी आपने गौर से सुननी है क्योंकि कहानी के बाद कहानी से रिलेटेड सवाल आपसे होंगे। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। प्यारे बच्चों आज कहानी किस बारे में सुनेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आज कहानी दो बादशाहों के बारे में सुनेंगे। किनके बारे में सुनेंगे? दो बादशाहों। दो बादशाहों के बारे में सुनेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी बादशाही वाली लाइफ छोड़कर खुद को अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ कर दिया था। तो आइए सुनते हैं। प्यारे बच्चों पहले के दौर में एक बादशाह था। क्या था? बादशाह। बादशाह था वो, अपनी बड़े ही मजे की लाइफ गुजार रहा था, बड़े मजे की लाइफ गुजार रहा था। एक दिन वो अपनी आखिरत की फिक्र करने लगा कि मैं दुनिया की सहूलतों में गुम होकर अपने अल्लाह पाक को भूल चुका हूँ, जबकि ये दुनिया की सहूलतें दुनिया ही में रह जाएंगी।
मेरी हुकूमत और बादशाहत ने मुझे अल्लाह पाक की इबादत से दूर कर दिया है। फिर वो बादशाह रात के अंधेरे में अपने आलीशान महल से निकला और सारी रात तेजी से सफर करता रहा, और सुबह जब हुई तो वो अपने मुल्क की बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुका था। फिर बादशाह एक समुंदर के किनारे के पास रुका और वहीं रहने लगा और अल्लाह पाक की इबादत करने में मसरूफ हो गया। फिर ये नेक शख्स वहाँ ईंटें बना बना कर बेचने लगा, फिर जो पैसे मिलते उसमें से कुछ अपने खर्च के लिए रख देता और बाकी सब सदका कर देता। फिर ये नेक शख्स इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगा। फिर कुछ सालों बाद नेक शख्स की खबर उस मुल्क के बादशाह को हुई जिस मुल्क के समंदर के किनारे के पास ये नेक शख्स आया था। फिर उस बादशाह ने नेक शख्स को पैगाम भेजा कि मुझसे आकर मिलो, लेकिन नेक शख्स ने मना कर दिया और उस मुल्क के बादशाह के पास ना गया। फिर बादशाह ने दोबारा अपना एक और बंदा भेजा उस नेक शख्स के पास और उसे अपने पास बुलाया। उसने फिर मना कर दिया और कहा, बादशाह को मुझसे क्या मतलब है, अब मुझे बादशाह से क्या काम कि मैं उसके पास जाऊँ। जब बादशाह को यह बताया गया तो वो खुद घोड़े पर सवार होकर उस समंदर के किनारे पर आया। जब उसने एक शख्स ने देखा कि बादशाह मेरी तरफ आ रहा है तो उसने भागना शुरू कर दिया। बादशाह ने जब उसे भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन नेक शख्स बादशाह की नजरों से गायब हो गया। जब बादशाह इस नेक शख्स को ना ढूंढ सका तो बुलंद आवाज से कहा, ए अल्लाह पाक के बंदे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम मुझसे मत डरो, मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, जब नेक शख्स ने बात सुनी तो वो बादशाह के सामने आ गया। बादशाह ने उसे कहा, अल्लाह पाक तुझे बरकत अता फरमाए, तू कौन है और कहां से आया है। उसने अपना नाम बताया और कहा, मैं फला मुल्क का बादशाह था, जब मैंने गौर और फिक्र किया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं जिस दुनिया की दौलत में मस्त हूँ ये तो खत्म हो जाएगी, और इस दौलत और हुकूमत ने मुझे अल्लाह पाक की बातों से दूर कर रखा है। फिर मैंने अपने तमाम पिछले गुनाहों से तौबा की और मैंने तमाम दुनियावी सहूलतों को छोड़कर अलग थलग अपने रब अज़्ज़ोजिल की इबादत करना शुरू कर दी। अल्लाह पाक मेरी इस इबादत को कबूल फरमाए। जब बादशाह ने यह सुना तो नेक शख्सी बातों का बादशाह के दिल में बहुत असर हुआ और सोचने लगा कि जिस दुनिया में मस्त होकर मैं जी रहा हूँ ये तो वाकई खत्म हो जाएगी। फिर उस बादशाह ने भी बादशाह छोड़कर उस नेक शख्स के साथ इबादत करने का इरादा कर लिया और वो घोड़े से उतरा और घोड़े को वहीं छोड़कर उस नेक शख्स के साथ चलने लगा। फिर वो दोनों बादशाह एक साथ रहने लगे और अपना वक्त अल्लाह पाक की इबादत में गुजारने लग गए और उन्होंने ये दुआ की, ए अल्लाह पाक हमें एक साथ मौत देना। और फिर इन दोनों का इंतकाल एक ही दिन हुआ और इनकी कब्रें भी एक साथ ही बनाई गई। प्यारे बच्चों, इस वाक्य से जो बातें हमें सीखने को मिली वो ये हैं, दुनिया की कोई भी चीज हमें काम नहीं आएगी, सिर्फ नेकियां और इबादत ही काम आएंगी। दूसरी बात जो पता चली वो ये थी कि फजूल कामों से बचकर अल्लाह पाक की इबादत में अपना वक्त गुजारना चाहिए। तीसरी बात ये पता चली कि और खुद नेक काम करने के साथ साथ अपने दोस्तों और अपने घर वालों को भी नेक काम करने का कहना चाहिए। अब बढ़ते हैं सवालात की तरफ। उम्मीद है आपने कहानी को बगौर सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अचानक बादशाह किस बारे में फिक्र करने लगा? जी टीम ए, अपनी आखिरत के बारे में। अपनी आखिरत के बारे में जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम बी, आपसे सवाल है कि बादशाह को अल्लाह पाक की इबादत से किस चीज ने दूर कर दिया था? बादशाहत और हुकूमत ने। बादशाहत और हुकूमत ने बादशाह को अल्लाह पाक की इबादत से दूर कर दिया था। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी टीम ए, आपसे सवाल, बादशाह अपने महल से किस वक्त निकला था? रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम बी, बादशाह किस जगह पहुंच कर रुका? समुंदर के किनारे। समुंदर के किनारे के पास। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये टीम ए, समुंदर के किनारे पर बादशाह क्या काम करता था? ईंटें बना बना के बेचता था। ईंटें बना बना कर बेचता था। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी टीम बी, नेक शख्स से मिलने के लिए कौन आया था? बादशाह। जी उसी मुल्क का बादशाह। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी टीम ए, दोनों मिलकर क्या करने लगे थे? इबादत। इबादत, अल्लाह पाक की इबादत। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम बी, दोनों ने क्या दुआ की थी? ए अल्लाह हमें एक साथ मौत देना। ए अल्लाह पाक हमें एक साथ मौत देना। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चे और गणतंत्र के नाज़रीन, यहाँ पर दोनों टीमों का मुकाबला टाई हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है किस्मत आजमाए। आपका इम्तिहान, इम्तिहान, आपका इम्तिहान। प्यारे बच्चे और गणतंत्र के नाज़रीन, सेगमेंट है किस्मत आजमाए। इस सेगमेंट में क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस सेगमेंट में यहाँ पर मेरे साथ 8 बॉक्सेस हैं। आप इनमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट करें, मैं आपको उसके हवाले से 3 हिंट्स दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं हिंट्स नहीं दे सकता। आप चाहें 1 में जवाब दें, आप चाहें 2 में जवाब दें, आप चाहें 3 हिंट्स लेके जवाब दें, यह आपके ऊपर डिपेंड है। और प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, आप मैक्सिमम 3 हिंट्स दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हिंट्स नहीं ले सकते। और उसके बाद आपको जवाब देना होगा कि अंदर
किस चीज़ का नाम है। जी चैलेंज शुरू करते हैं। जी चैलेंज नंबर सेलेक्ट करेंगे टीम ए। नंबर टू, एक लैंग्वेज है जिसका नाम आइन से शुरू होता है। अरबी। सोच लें। जी हसन भाई से पूछ लें। जन्नत में लोग इसी लैंग्वेज में बात करेंगे। अरबी। माशाल्लाह, इन्होंने कहा अरबी। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी नंबर टू, अरबी जवाब इनका दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। जी नंबर सेलेक्ट करें टीम बी। नंबर सेवन, इन्होंने कहा नंबर सेवन। जी इस्लामी मुल्क के एक मुबारक शहर का नाम है। दूसरी हिंट, इस शहर में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत हुई। मदीना शरीफ। आपने कहा मदीना शरीफ। देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी नंबर सेवन था और ये है मक्का मुकर्रमा। चले कोई बात नहीं, आपसे एक जवाब गलत हो गया। चले बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। जी टीम ए नंबर सेलेक्ट करें। नंबर सिक्स, इन्होंने कहा नंबर सिक्स। एक ऐसा फर्ज जो साल में एक बार अदा किया जाता है। दूसरी हिंट, ज़ुल्हिज्जा के महीने में इस फर्ज को अदा किया जाता है। कुर्बानी। सोच लें। जी इन्होंने कहा कुर्बानी नंबर सिक्स। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी ये है हज। आप तीसरी हिंट लेते तो हिंट ये होती कि इस फर्ज को अदा करने वाले को हाजी कहते हैं और आप पहुंच जाते हैं। चले कोई बात नहीं, दोनों से एक ही गलती हो गई। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब और टीम बी के पास है गोल्डन चांस अपनी एक गलती को रिकवर करने का। जी टीम बी। नंबर थ्री, एक इस्लामी महीने का नाम है। दूसरी हिंट, इस महीने में इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला को शहीद किया गया। मुहर्रम। मुहर्रम। सोच लें। जी इन्होंने कहा मुहर्रम शरीफ। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी नंबर थ्री, मुहर्रम शरीफ जवाब इनका दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। जी चलो टीम ए नंबर सेलेक्ट करें। नंबर फाइव, नंबर फाइव, एक ऐसी चीज जिसकी मिसाल खूबसूरती बयान करते हुए दी जाती है। हिंट, सूरज की रोशनी के जरिए वो चीज रोशन हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इशारे पर ये दो टुकड़े हो गया था। चांद। इन्होंने कहा चांद। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। नंबर फाइव, जी चांद और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। जी टीम बी नंबर सेलेक्ट करें। वन, इन्होंने कहा वन। जी नंबर वन, एक ऐसी चीज जिससे अल्लाह पाक ने जिन्नात को पैदा फरमाया। दूसरी हिंट, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक के हुक्म से वो चीज ठंडी हो गई थी। तीसरी हिंट, तीसरी हिंट, इस चीज से धुएं भी निकलते हैं। आग। इन्होंने कहा आग। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। नंबर वन, आग और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। नंबर सेलेक्ट करें टीम ए। नंबर फोर, नंबर फोर, हफ्ते के सात दिनों में से एक दिन का नाम है। हिंट, हिंट, इस दिन को दिनों का सरदार कहा जाता है। जुमातुल मुबारक। सोच लें। जी नंबर फोर जुमा, इन्होंने जवाब दिया। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी जी जुमातुल मुबारक जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी टीम बी के लिए आखिरी एक ही ऑप्शन है और वो है नंबर एट। चले एक फेमस कलर है। हिंट, हिंट, वाइट कलर का ऑपोजिट है। हिंट, काबी शरीफ के गिलाफ का रंग भी इसी कलर का है। ब्लैक। इन्होंने कहा ब्लैक। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है नहीं। जी नंबर एट, ब्लैक कलर जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। यहाँ पर हमारी दोनों टीमें फोर्थ सेगमेंट में बराबर रही क्योंकि टीम ए से एक गलती हुई और टीम बी से भी एक गलती हुई और यूं यहाँ पर मुकाबला टाई हो चुका है। प्यारे बच्चे और कर्जबंदी चाहिए नाजीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम आपके इम्तिहान का वक्त इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त।
अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। किड्स मदरी चैंग नाम से ऑफिशियल YouTube चैनल है, आप जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। जज़ाक अल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कभी किसी ने जवाब दिया, कभी कोई चूका। आपका इम्तिहान इम्तिहान आपका इम्तिहान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।